आज क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए ये वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया लेंस के बारे में। तो लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। आइए देखते हैं इसमें अब इस सारी लेंस कहते किसे हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस वास्तव में उत्तल लेंस में होता है। अब उत्तल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर ये केंद्रित कर देता है या मिला देता है। तो यहाँ पर जो बिंदु यहाँ मिलता है उसे हम फोकस बिंदु भी कहते हैं। वही हमारा फोकस बिंदु होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, ये अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस किरणों को इकट्ठा करता है, दूसरे शब्दों में एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जस्ट इसका उल्टा, किरणों को फैलाना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? मिलती हुई प्रतीत होने का तात्पर्य है आभासी इमेज। यहाँ आभासी इमेज ये क्या करता है? अवतल लेंस पर जो किरण आती है इन किरणों को दूर दूर तक फैला देता है। इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाने पे हमको एक फोकस बिंदु प्राप्त होता है, ये आभास होता है। इसको आभासी इमेज अवतल लेंस में बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों कंडीशन में बनते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आपको दिखाया जाएगा। ये दूरी हमारी जो होगी यहाँ से, ये फोकस दूरी हो जाएगी। फोकस बिंदु के तल के लंबवत खींचे गए तल, फोकस बिंदु के लंबवत खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। यहाँ भी आपका फोकस तल होगा। जैसे इसके तल, ये फोकस है, ये जो हमारा ये पूरा तल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कहलाएगा फोकस तल। और यहाँ से ये दूरी होगी, वो हो जाएगी फोकस दूरी। धन्यवाद।